चित्रकूट में भारत बंद आंदोलन रहा फ्लॉप। जहां पूरे प्रदेश में भारत बंद का ऐलान था, वहीं पुलिस के द्वारा प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को उनके घर पर ही कर दिया गया था नजरबंद। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस या फिर अन्य किसी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों, जो पुलिस को चकमा देकर सड़कों पर उतरे तो उनके गाड़ियों में भरकर गिरफ्तार कर कोतवाली व पुलिस लाइन ले जाया गया। पूरे देश में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर समर्थन देने के नाम पर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन सही मायने में इन्होंने किसान भाइयों का समर्थन नहीं किया बल्कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। अगर वास्तव में इनको किसानों का समर्थन करना था तो इन सबको अपना राजनीतिक झंडा एक साइड में रखकर सड़कों पर उतरना चाहिए था। तब कहां जा सकता था कि सच में इनके अंदर किसानों और इस देश के प्रति प्रेम कूट कर भरा हुआ है। ऐसे में अपनी पार्टियों का झंडा दिखाने की देश प्रेम नहीं कहते बल्कि इसे अपना उल्लू सीधा करना कहते हैं। चित्रकूट से मनोज कुमार की रिपोर्ट, प्राइम 80 न्यूज़।